गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टे सेफ एट होम। सो नाउ वी शुड स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 12 विद एयर वाटर एंड वेदर। क्लाउडी रेनी विंडी हॉट कोल्ड ह्यूमिड ऑल दिस टर्न टिल द डिफरेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। ये सारे जो है क्लाउडी रेनी विंडी हॉट कोल्ड ह्यूमिड ये सारे टर्म्स जो है वो हमें बताते हैं कि वायुमंडल हमारे चारों और जो है डिफरेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस ये हमें बताते हैं कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट कंडीशन को ये बताते हैं जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। दिस इज कॉल्ड द वेदर, इसे ही हम वेदर कहते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम। वातावरण के अनुसार मौसम एक जगह पर उस समय के लिए अनुकूलित होता है उसे ही हम वेदर कहते हैं। स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन सर व्हाट इज वेदर, आंसर इज वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए पार्टिकुलर। स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन सर व्हाट इज वेदर, आंसर इज वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम। द फैक्टर दैट डिटरमाइंड वेदर आर मौसम का निर्धारण करने वाले कारक जैसे टेम्परेचर विंड एयर प्रेशर मॉइस्चर एंड क्लाउड यह जो है यह वेदर के मौसम का निर्धारण करने वाले कारक है। ऑल दिस फैक्टर आर रिलेटेड टू वन अनदर, ये सारे फैक्टर जो हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज द सन दैट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर, वह यह सूर्य है जो इन कारकों को प्रभावित करता है। द हीट ऑफ द सन इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर एंड चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर। हीट ऑफ द सन जो है वह इफेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ द एयर हवा के मूवमेंट को और चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर और वाटर को चेंज करता है विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन द वेदर और उसके बाद जो है वेदर को चेंज करता है। सेकेंड टॉपिक रोल ऑफ द सन इन वेदर चेंजेस। द सन एंड द मूवमेंट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर चेंज। सूरज द सन एंड मूवमेंट ऑफ सूरज और रोटेशन और रिवॉल्यूशन के मूवमेंट को जो पृथ्वी पर चलता रहता है इसके कारण वेदर जो है वह चेंज होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेस डे एंड नाइट, रोटेशन अर्थ के जो रोटेशन है जिसके कारण दिन और रात होती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन गेट सनलाइट एंड हैज डे, पार्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी का जो भाग है दैट फेस द सन जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है एंड हैज डे वहाँ दिन होता है। द अदर पार्ट दैट डस नॉट गेट सनलाइट हैज नाइट, और दूसरा भाग जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ रात होता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस सीजन, और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जो सूरज के चारों अराउंड द सन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जो है जो सूरज के अराउंड है जिसके कारण सीजन होते सीजन बदलते हैं। व्हाइल रिवॉल्विंग द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट आर नियरर टू द सन हैव हॉटर एंड लॉन्गर डेज और हैव समर। रिवॉल्विंग द पार्ट दैट है नियरर जो सूरज के नजदीक होता है वहां गर्म होता है और जो सूरज के लॉन्गर और जो सूरज के नजदीक होता है वो गर्म होता है और दिन बड़ा होता है और गर्मी का मौसम होता है। द अदर पार्ट दैट आर ऑलवेज फ्रॉम द सन अवे फ्रॉम द सन द अदर पार्ट दैट आर अवे फ्रॉम द सन हैव कोल्डर एंड शॉर्टर डेज और हैव विंटर, और दूसरा पार्ट जहां पे सूरज की रोशनी दूर होती है वह पार्ट जो है वह ठंडा और दिन छोटा होता है और वह सीजन विंटर का होता है। वेदर ऑल्सो चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर, वेदर जो है वह डे टू डे
चेंज होता है फ्रॉम आवर टू आवर, और कभी कभी जो है वह आवर टू आवर में द सन राइजेज और सेट, जब सूरज उगता है और डूबता है, इट्स रे आर स्लैंटिंग, उसके रे जो होते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग का जो मौसम होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है। एट नून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ, और नून के समय में जो सन रे है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ता है, देयरफॉर द नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, इसलिए नून को जो है वह दिन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट कहा जाता है। द सन काउज द विंड, द सन हीट द एयर नियर द लैंड, सन की गर्मी के कारण हवा जो है वह लैंड के नजदीक आता है। द हॉट एयर स्प्रीड एंड बिकम लाइटर, और हॉट एयर जो है वह स्प्रीड होता है और बिकम लाइटर, और लाइटर होता है, कम होता है। लाइट एंड हॉट एयर राइजर, लाइट और हॉट एयर जो है वह उठता है, कूलर एयर ब्लो डाउन टू टेक इट्स प्लेस, और ठंडी हवा जो है वह नीचे की जगह पे जाती है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, और वह हवा जो बहती है उसे हम विंड कहते हैं। तो सो द सन काउज द विंड टू ब्लो, इसलिए कहा जाता है कि सूरज के कारण जो है वह हवा बहती है। सेकेंड वन, द सन काउजेज ह्यूमिडिटी, द सन हीट अप द वाटर ऑन द अर्थ, जब सूरज की गर्मी पृथ्वी पर पानी के ऊपर होती है, एंड चेंज इट इनटू वाटर वेपर, और वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट इन द एयर हवा में मौजूद रहता है, तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो द सन काउज ह्यूमिडिटी, इसलिए सूरज के कारण जो है वह ह्यूमिडिटी भी होती है। व्हेन इट इज हॉट, जब वह गर्म होता है, यू स्वेट ए लॉट, तब आपको पसीना आता है, यू स्वेट एवोपरेट एंड यू फील कूल, और जब पसीना आता है उसके बाद आपको ठंड महसूस होती है। व्हेन एयर इज ह्यूमिड, जब हवा में गर्मी होती है, देयर इज टू मच वाटर वेपर ऑलरेडी इन द एयर, तो हवा में जो है वाटर वेपर ऑलरेडी मौजूद रहता है। योर स्वेट डज नॉट इवोपरेट, और हमारा पसीना जो है वो सूखता नहीं है। देन यू फील स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल, और हमें जो है वो गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट वन इज एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, इसमें जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ए ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर जो हवा होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन सर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, आंसर इज ए ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। व्हेन एयर मूव्स, जब हवा बहती है, इट इज कॉल्ड विंड, तो उसे हम विंड कहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गैली, और जब स्ट्रॉन्ग तेज हवा बहती है तो उसे हम गैली कहते हैं। विंड दैट ब्लो जेंटली एंड लाइटली इज कॉल्ड ब्रीज, और जब हवा धीरे-धीरे बहती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, और जब हवा बहुत तेज बहती है तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। व्हेन स्टॉर्म अकर विद लाइटनिंग एंड थंडर, जब हवा बहुत तेज और लाइटनिंग एंड थंडरिंग, और बादल पूरे थंडर गरजते हैं और लाइटनिंग होती है, तब उसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं।
उस जगह के मौसम को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज सी ब्रीज, ए कोस्टल ब्रीज, कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। एक तटीय हवा जो समुद्र की ओर से धरती धरती पर बहती है उसे सी ब्रीज कहते हैं। इट अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, यह जो है वह दिन के समय होता है। स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन, सर व्हाट इज सी ब्रीज? आंसर इज ए कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। हाउ सी ब्रीज अकर ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे दिन के समय लैंड गेट हीटेड क्विकली देन द सी, दिन के समय जो है वो धरती जो है वह सी के अपेक्षा जल्दी हीट होती है। एयर एवं द लैंड, और हवा जो है वह लैंड के ऊपर होता है। बिकम वार्म एंड लाइटर, इस और इसके कारण हमें गर्मी लगती है। इट राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रश इन टू टेक इट्स प्लेस। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, ए कोस्टल ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। इट अकर एट नाइट, एक तटीय हवा जो लैंड की ओर से समुद्र की तरफ बहती है उसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। इट अकर एट नाइट, और यह रात के समय होता है। हाउ लैंड ब्रिज अकर एट नाइट, लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी, रात में लैंड जो है वह सी की तुलना में जल्दी कूल होता है। द वार्म एयर एवं द सी राइज, और वार्म एयर जो है वह सी के एवं एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड, और इससे क्या होता है लैंड में ठंड महसूस होती है। ब्लो टुवर्ड्स सी टू टेक इट्स प्लेस। नेक्स्ट वन इज वाटर, मोस्ट ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी की सतह के करीब 70% भाग जो है वह पानी से कवर है। इट इज फाउंड इन लेक रिवर सी एंड ओशियन, वहां पे लेक रिवर सी और ओशियन है। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड एंड इवन इन एयर। वाटर चेंज इट्स स्टे, वाटर जो है वाटर चेंजेज इट इट्स स्टे ऑन कूलिंग एंड हीटिंग। वाटर पानी जो है उसके स्टे जो है वो चेंज होते हैं और उससे हमें कूलिंग और हीटिंग महसूस होती है। एवोपरेशन, द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन। पृथ्वी की सतह में पानी जो है जब चेंज होके वाटर वेपर में सूरज की रोशनी द्वारा होती है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो क्या रिजल्ट होता है, इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की जो संख्या है वह इंक्रीज हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर में, और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन, और इस प्रक्रिया को जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर में जब चेंज हो जाती है हीटिंग के कारण तो उसे हम इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस एट ए फास्टर रेट व्हेन द वेदर इज विंडी, द टेम्परेचर इज हाई, द एयर इज ड्राई एंड द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर इज लार्ज। दैट्स ऑल।